हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक से पांच विश्व की सबसे लंबी नदी याद कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, यहां पे पांच नदियां अगर आपने याद कर लिया तो आप अपने एग्जाम में आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे कन्फर्म। साथ साथ में ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे याद रखें ये आपके सामने। पांच विश्व की सबसे बड़ी नदियां। ट्रिक है फ्रेंड्स माइने माइने। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैंने आपको उल्टा याद कराया है। माई एम वाई माई ने एन ए वाई ने माइने ऐसे याद रखना है, ठीक है? आपको सीधा नहीं पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। माई ने आपको याद रखना है। माइने की बात करें तो एन से बन गया नील, ए से बन गया अमेजन, वाई से बन गया यांगजी, एम से बन गया मिसिसिपी और ये से बन गया येनेसी। फ्रेंड्स, ये पांच विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देन आई विल से दैट विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये लॉन्गेस्ट रिवर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सजाया है। यानी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है नील, उसके बाद अमेजन, उसके बाद यांगजी, उसके बाद मिसिसिपी और उसके बाद येनेसी। लेकिन कोड के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आपको याद रखना है माई एम वाई माई ने एन ए वाई ने माइने। माइने से आप पांच विश्व की सबसे लंबी नदी याद कर सकते हैं। अब इन नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। पहली नदी है नील नदी। नील नदी की बात करें तो नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। देखिए यहां पर दिया हुआ है कॉन्टिनेंट कौन सा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है। ये इतने देशों के साथ कंट्रीज इट्स फ्लो थ्रो, यानी कि इजिप्ट, इथोपिया, सूडान, बुरंडी आदि देशों से ये फ्लो करती है। इसका लेंथ 6,695 किलोमीटर है और इसका सोर्स ये निकलती कहां से, तो विक्टोरिया लेक से निकलती है। फ्रेंड्स, ये विक्टोरिया लेक से निकलती है और इसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है और ये इथोपिया, इजिप्ट, सूडान और बुरंडी देश से फ्लो करती है और कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अगर नील नदी की बात करें तो यहां पर द नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि नील नदी विक्टोरिया लेक से निकलने के बाद भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है और नील नदी का नाम ग्रीक नीलोस से मिलता है, जिसका अर्थ है एक घाटी या नदी घाटी। अतः ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और कुछ दे देता हूं। नील नदी जब ऑरिजिन होती है तो इसका नाम होता है व्हाइट नील, आगे चलकर इसमें ब्लू नील मिलती है। जब ब्लू नील इसमें मिल जाती है तब इसका नील पड़ जाता है और नील नदी पर ही आसवन डैम है जो इजिप्ट में है और मेडिटेरियन सी में जाकर ये गिर जाती है। आई होप फ्रेंड्स कि नील नदी के बारे में आपको काफी मोर इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। आगे देखिए अमेजन रिवर। फ्रेंड्स, अमेजन रिवर की बात करें तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जबकि ये पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वेटर और बोलीविया इतने देशों से होकर बहती है। इसकी लंबाई 6,575 किलोमीटर है, जबकि इसका सोर्स की बात करें तो लेगो विलाफ्रो इसका सोर्स है जो पेरू में स्थित है। साथ साथ में लागो विलाफेरो की बात करें तो ये पेरू में स्थित पहाड़ी क्षेत्र जहां से अमेजन रिवर निकलती है, जबकि ये ब्राजील में अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। फ्रेंड्स, अगर अमेजन की बात करें तो अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अपने जल क्षेत्र के आकार, सहायक नदियों की संख्या और समुद्र में छोड़े गए पानी की मात्रा के मामले में सबसे बड़ा रिवर है। यानी कि अगर वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो। आगे देखिए तीसरा, यांगजी नदी, यांगजी रिवर। फ्रेंड्स, ये एशिया कॉन्टिनेंट में बहती है। ये कंट्री की बात करें तो पूरी तरह से चाइना में बहती है। इसकी लंबाई 6,240 किलोमीटर है, जब इसका सोर्स कुलुन माउंटेन चाइना में स्थित है। यहीं से यांगजी नदी निकलती है। साथ साथ में ये येलो सी में जाकर गिर जाती है, संघाई पोर्ट के पास येलो सी में जाकर गिरती है।
अगर यांगजी रिवर की बात करें तो यांगजी नदी जिसे चांग जियांग भी कहा जाता है, चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण अमेरिका में अमेजन और अफ्रीका में नील नदी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आई होप फ्रेंड्स, यांगजी रिवर पर जो मैंने आपको कंटेंट दिया वो अच्छी तरह समझ में आया हो। आगे देखिए मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यूएसए में बहती है, इसकी लंबाई 6,275 किलोमीटर है। सोर्स की बात करें तो लेक इटास्का इसका सोर्स है, साथ साथ में ये इसका माउथ की बात करें तो लुसियाना रीजन में गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर जाती है। अगर मिसिसिपी की बात करें तो मिसिसिपी का वाटर वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है और इसमें मिसौरी नदी भी आकर मिलती है। लास्ट पांचवी नदी जो सबसे लंबी नदी है उसे येनेसी नदी नाम दिया गया। येनेसी नदी की बात करें तो येनेसी नदी मंगोलिया में मुनगारियन गोल से निकलती है, इसकी लंबाई 5,539 किलोमीटर है। ये विश्व की पांचवी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और आर्कटिक महासागर में जाकर ये गिरती है। येनेसी अंततः आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है और ये मंगोलिया से निकलकर रशिया होते हुए आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। आई होप फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा दिए गए ये पांच नदी का इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। आप इन पांचों नदियों को तैयार कर लें, आप अपने एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा दी गई नॉलेज से आप काफी ज्यादा संतुष्ट हों। थैंक यू एंड टेक केयर।